आजकल गांव में रहने वाला युवा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए शहर की ओर भागता है ताकि वो अपने बिजनेस से अच्छा मुनाफा कमा पाए। हम आपको बता दें कि शहर में बिजनेस शुरू करने के कई विकल्प हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा गांव में बिजनेस शुरू करने के विकल्प हैं। अब सवाल उठता है कि गांव में कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए जो कि अधिक फायदेमंद साबित हो। आज हम आपको गांव में बिजनेस शुरू करने के कई आइडियाज बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। गांव में किए जाने वाले 10 बिजनेस आइडियाज। अनाज खरीद बिक्री बिजनेस। गांव में अनाजों की खरीद बिक्री वाला बिजनेस शुरू कर बहुत फायदेमंद है। इसमें आपको ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस एक गोदाम की जरूरत पड़ती है जहां आप अनाज को ठीक तरीके से रख सकें। अनाज का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फोटोकॉपी और फोटोग्राफी बिजनेस। आप गांव में फोटोकॉपी की दुकान चला सकते हैं, इसके साथ ही इसमें फोटोग्राफी का बिजनेस भी डाल सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जानकारी होनी चाहिए। इस बिजनेस से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। फोटोग्राफी बिजनेस कैसे शुरू करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। किराने की दुकान। गांव में किराने की दुकान का बिजनेस अच्छा मुनाफा देगा। इस बिजनेस से आप लगभग 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। ये बिजनेस कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए एक दुकान और किराने की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस बिजनेस को गांव में आसानी से शुरू किया जा सकता है। किराने स्टोर कैसे शुरू करें, इसकी अधिक जानकारी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। कॉस्मेटिक की दुकान। गांव की महिलाओं को भी अच्छा पहनना और दिखना काफी पसंद होता है। ऐसे में आप कॉस्मेटिक की दुकान शुरू कर सकते हैं। अधिकतर गांव के लोग शहर के बाजार में सामान खरीदने आते हैं। ऐसे में आप गांव में उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये बिजनेस बहुत मुनाफा देता है। कॉस्मेटिक बिजनेस कैसे शुरू करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। साइकिल और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर। गांव में अधिकतर लोग साइकिल चलाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव के लगभग 90% लोग रोजाना साइकिल और मोटरसाइकिल द्वारा अपने काम करते हैं। आजकल मोटरसाइकिल का चलन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप गांव में साइकिल या मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर या उसके पार्ट्स की दुकान खोल सकते हैं। इस बिजनेस से आपको काफी मुनाफा मिलेगा। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस कैसे शुरू करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जानकारी हासिल करें। पोल्ट्री फार्म मछली पालन। पोल्ट्री फार्म और मछली पालन भी गांव में अच्छी कमाई का जरिया है। इस बिजनेस में कम समय और लागत में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, बशर्ते बीमारियों के बचाव किए जाएं और अच्छी खुराक दी जाए। पोल्ट्री फार्म मछली पालन का बिजनेस कैसे शुरू करें, इस वीडियो के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। कपड़ों की दुकान। देश में सबसे अधिक जो बिजनेस चलता है वो है खाने पीने और कपड़ों का। लोग खाने पीने और कपड़ों पर खूब खर्च करते हैं। ऐसे में आप अपने गांव या शहर में अलग अलग डिजाइन और स्टाइल के कपड़े रख सकते हैं। बता दें कि कपड़ों में मुनाफा भी अच्छा खासा होता है, बशर्ते आप अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करें। यानी कपड़ों को खराब होने से बचाना जरूरी है ताकि मुनाफा ना गिरे। कपड़ों की दुकान कैसे शुरू करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दूध केंद्र। दूध केंद्र शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति को व्यवसाय करने की डेयरी फार्म से संपर्क करना होगा। दूध केंद्र मूल रूप से ग्रामीणों से दूध एकत्र करते हैं और इसे डेयरी फार्मों में बेचते हैं। दूध केंद्रों को एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर आदि शामिल है। दूध संबंधित उत्पादों की मात्रा को मापने के लिए वजन मशीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गाय और भैंसों का पालन पोषण गाँव में आम है, इसलिए गाँव में दूध केंद्र अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, सरकार भी कर रही है मदद। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। फल और सब्जियों की दुकान। ये किसी के लिए और ज्यादातर एक ही गांव में रहने वाले मूल ग्रामीणों के लिए सबसे सरल और सबसे खास व्यवसाय है। लोग सीधे थोक बाजार में जा सकते हैं और फलों और सब्जियों को कम दरों पर खरीद सकते हैं और इसे अपने गांव में अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। फल और सब्जियों की दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल और रिपेयरिंग की दुकान। वर्तमान में गांव के निवासी टेक्नोलॉजी और संचार का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कि एक छोटे से गांव में भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लगभग हर ग्रामीण अपने परिवारों के साथ संवाद करना चाहता है, इसलिए मोबाइल अब एक आवश्यकता है। इसलिए एक अच्छी जगह पर ज्यादा निवेश किए बिना केवल बिक्री योग्य मोबाइल को स्टॉक में रखा जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Okay, credit.
आपके बिजनेस का सच्चा साथी।